डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। नमस्कार दोस्तों, NTA UGC NET क्लास 5। आज के इस क्लास में हम जानने वाले हैं मास मीडिया एंड सोसाइटी। दोस्तों इसमें से वैसे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं आज तक, लेकिन फिर भी ये टॉपिक करना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि सिलेबस के अंदर ये दिया हुआ है और इसमें से पहले 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आए हैं। फिर भी इस टॉपिक को हम कर लेते, क्या पता आने वाले एग्जाम में इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआर चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है। हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स क्योंकि निमिजीनेट है तो जीआरएफ है। मास मीडिया एंड सोसाइटी, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो भी लोग रह रहे हैं वो एक समाज के अंदर रह रहे हैं और हर समाज का अपना रूल रेगुलेशन अलग अलग होता है, संस्कृति अलग होती है, रहन सहन अलग होता है, भाषा अलग होती है, उनके काम करने का तरीका अलग होता है, लेकिन फिर भी एक समुदाय दूसरे समुदाय से कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन करता है। एक समुदाय को दूसरे समुदाय की ज़रूरत पड़ती है हमेशा से। जैसे कि मान के चलते हैं हम इंडिया के लोगों का रहन सहन अलग है, अमेरिका के लोगों का रहन सहन अलग है, लेकिन फिर भी एक दूसरे की हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इसके लिए हमारे लिए कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक अच्छा कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। आज के समय में दोस्तों आप सभी को पता है कि कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास बहुत साधन उपलब्ध है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले बहुत ही लिमिटेड चीज़ें होती थी, लेकिन आज हम यहाँ पे बैठ के चाहे कितनी भी दूर हमसे कोई दोस्त हो हम उससे बात कर सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आज हमारे पास पहले से जानकारी होना ज़रूरी है। आज जैसे कि हम स्नैपचैट चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, फेसबुक पे कहीं से भी हम दोस्ती कर सकते हैं और अपनी एक कम्युनिटी बना सकते हैं, ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर बातचीत हम कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हमारा कम्युनिकेशन ग्रुप के अंदर हो, ग्रुप के अंदर होने से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है दोस्तों। ग्रुप के अंदर हमारी सिक्योरिटी भी हो सकती है और अनसिक्योरिटी भी हो सकती है, यानी कि लाभ और हानि दोनों तरह की चीज़ें हो सकती है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर यानी कि मास मीडिया सोसाइटी के अंदर सबसे पहले एक चीज़ आती है, वो आती है मास कम्युनिकेशन। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, मास यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हो उनके साथ कम्युनिकेशन करना क्या कहलाता है, मास कम्युनिकेशन कहलाता है। अगर हम इसके शब्द के ऊपर जाए तो शब्द का पर्यायवाची देखें तो वो चीज़ें क्या होंगी दोस्तों, जनसंचार शब्द अंग्रेजी भाषा के मास कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी पर्यायवाची है। इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं, मास कम्युनिकेशन कहते हैं, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, जनसंचार कहते हैं। और इसका अभिप्राय बहुत मात्रा में, भारी मात्रा में या भारी आकार में बिखरे लोगों या अधिक मात्रा में लोगों तक संचार माध्यम से सूचना या संदेश पहुंचाना। वैसे तो दोस्तों हमने मास कम्युनिकेशन के बारे में पहले भी एक क्लास में बात की थी कि मास कम्युनिकेशन कहा है क्या है, जहां पे हम बहुत ज़्यादा संख्या में अलग अलग बिखरे हुए लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना, अपनी सूचनाएँ पहुँचाना, वो क्या कहलाता है, मास कम्युनिकेशन कहलाता है। परंतु वास्तविकता में इन तीनों के विभिन्न अर्थ है। देखिए तीन चीज़ें क्या आती है यहाँ पे, जनसंख्या में जन शब्द जन समूह भीड़ जनता को बताता है, जनसंचार के अंदर देखिए जनसंचार के अंदर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बिखरे हुए लोग हैं उन्हीं के साथ कम्युनिकेशन करना मास कम्युनिकेशन नहीं कहलाता। मास कम्युनिकेशन का मतलब है कि एक साथ बहुत से लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना क्या कहलाता है, मास कम्युनिकेशन कहलाता है। और वो बहुत सारे लोग जन समूह में भी हो सकते हैं, भीड़ में भी हो सकते हैं और जनता में भी हो सकते हैं, तीनों कैटेगरी के अंदर हो सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, आप हज़ारों स्टूडेंट अलग अलग जगह पे बैठे हुए, ये भी मास कम्युनिकेशन है। एक रैली हो रही है, रैली के अंदर
100 लोग एक साथ इकट्ठे हैं, 1000 लोग एक साथ इकट्ठे हैं, वो भी क्या है दोस्तों, वो भी हमारा मास कम्युनिकेशन है। और तीसरा क्या है, हम जैसे लेटर लिखते हैं, एक लेटर किसी को कभी मिला, दूसरा किसी को मिला, तीसरा किसी को मिला, तो ये भी क्या है, हमारा मास कम्युनिकेशन है। तो इसके रूप अलग अलग हो सकते हैं, यही चीज़ इसमें चल रही है दोस्तों। वास्तविकता में इन तीनों के विभिन्न अर्थ है। जन समूह को हम समान हित मूल्यों की पूर्ति के लिए संगठित होता है। जन समूह उसे कहते हैं जिनका कोई एक लक्ष्य हो। जैसे मान के चले रैली में आए हैं, रैली में उद्देश्य क्या होता है, जो हमारा नेता है उनके विचार सुनना, उन्होंने जो जो घोषणा की है उनके ऊपर विचार करना, उनका एक उद्देश्य होता है, जन समूह का एक उद्देश्य होता है। भीड़ किसी स्थान विशेष पर आकस्मिक रूप से जमा होती है। भीड़ क्या होती है, उनका कोई उद्देश्य नहीं होता, एकदम से इकट्ठा हो जाती है। जैसे मान के चलिए कि कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने पर हजारों लोग इकट्ठा हो गए, ठीक है, हजारों लोग इकट्ठा होने के बाद पुलिस उनको संदेश देती है भी सभी लोग अपने अपने घर चले जाइए, नहीं तो यहाँ पे कर्फ्यू लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो भीड़ है, उनका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई किसी को नहीं जानता था, ऐसे एकदम से आके इकट्ठा हो गए, ठीक है, तो वो क्या होगी, भीड़ होगी। और आगे हम बात करते हैं, जैसे किसी घटना घटित होने पर भावुक या तमाशबीन जनता इकट्ठा हो जाती है, वो चीज़ है। तथा जनता का आकार विशाल होता है, इसका सामाजिक जीवन होता है, तथा जनता अपने मत रुचि राजनीतिक विषय में स्वतंत्र पहचान रखती है। अब देखिए अगली चीज़ आती है, जनता का आकार, यानी कि जनता आती है, जनता क्या, जनता का आकार बहुत बड़ा होता है। वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक जगह इकट्ठी हुई है, नहीं, एक जगह इकट्ठा होना कोई ज़रूरी नहीं है, अलग अलग जगह पे हो सकते हैं। जैसे कि अब मान के चलते आप अलग अलग जगह पे हो, सभी दोस्त अलग अलग जगह पे हो, लेकिन आप सभी दोस्तों का एक उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, यूजीसी नेट क्लियर करना। तो इनका क्या होता है, मत रुचि राजनीतिक, यानी कि काफ़ी तरह की चीज़ें इनकी एक जैसी हो सकती है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे जनता कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये तीनों शब्द आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, जन समूह, भीड़ और जनता, ठीक है, ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई। और इनके साथ कम्युनिकेशन करना क्या कहलाता है, मास कम्युनिकेशन कहलाता है। और एक और जो चीज़ है दोस्तों मास कम्युनिकेशन के अंदर, जो इंग्लिश का शब्द है, इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुका है, शायद 2012 या 13 के अंदर क्वेश्चन आया था। अगर हम इसको डिकम्पोज करें, इसको अलग अलग करें मास कम्युनिकेशन को, तो इसमें है, यह शब्द लेटिन भाषा के कम्युनियस से बना है, किससे बना है, कम्युनियस से बना है, ये चीज़ ध्यान में रखना, जिसका अर्थ है टू मेक कॉमन, टू शेयर, टू इम्पोर्ट, टू ट्रांसमिट, अर्थात इसका अर्थ क्या है, सामान्यीकरण करना, सामान्य भागीदारी, मुक्त सूचना में संप्रेषण, ये इसका अर्थ निकलता है दोस्तों। ये चीज़ आप थोड़ा सा माइंड में रख लेना, क्योंकि इसमें से पहले एक क्वेश्चन आ चुका है, इसके मीनिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले आ चुका है, किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, अर्थात किसी एक व्यक्ति से कई व्यक्तियों को कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों, प्रतीकों के माध्यम से सूचना या जानकारी का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, मास कम्युनिकेशन कहलाता है। जन माध्यम कितने उपयोगी है, ये चीज़ मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, कितने उपयोगी है, आज के ज़माने में जन माध्यम बहुत 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 ज़्यादा उपयोगी साबित हो रहे हैं, खासकर जब कोरोना महामारी चल रही है, तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। इसके अंदर आप सभी को पता है कि हम एक ही मिनट के अंदर खबरों को देख सकते हैं, एक मिनट के अंदर हम कोई भी न्यूज़ चल रही है या फिर कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है हमारे लिए, उसको हम एक साथ देख सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा होता था, किसी व्यक्ति की अगर पॉपुलर व्यक्ति की भी मौत हो गई, तो उसकी जानकारी पूरे देश में क्या पता 3 साल बाद पता चलती सभी लोगों को, ऐसा होया हुआ है इतिहास के अंदर बहुत बार। अगर किसी टेलीविज़न समाचार चैनल संवाददाता मौजूद हो, तो वह वहाँ की तस्वीरें भी तुरंत देखने को मिल जाती, लाइव चीज़ें भी हमें देखने को मिल जाती, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। और आज संचार और जनसंचार के माध्यम हमारी अनिवार्य आवश्यकता बन गए हैं, इनके बगैर हम नहीं रह सकते, हमारे रोज़मर्रा के जीवन में उनकी बहुत अहम भूमिका हो गई है, ये चीज़ आप अच्छे से समझ सकते हैं। और आज के जो साधन है दोस्तों मास कम्युनिकेशन से, इनसे हम इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं, एजुकेशन भी लेते हैं, और प्लस में एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़्यादा इनसे हम करते हैं। और जनसंचार के माध्यम क्या क्या है, ये आप देख सकते हैं, जैसे रेडियो है, सिनेमा है, समाचार पत्र है, किताबें हैं, वेब सीरीज है, यूट्यूब चैनल है, वेबसाइट है, सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीज़ें आज के टाइम में इंक्लूड हो गई है इसके अंदर। जनसंचार की विशेषताएं क्या होती है दोस्तों, इसमें फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता, ये इसकी एक वो लिमिटेशन हम मान सकते हैं, तुरंत प्राप्त नहीं होता, कईयों में हो सकता है तुरंत, लेकिन
हर मास कम्युनिकेशन मीडिया के अंदर फीडबैक तुरंत प्राप्त हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मान के चले हम रेडियो पे कोई प्रोग्राम प्रसारित कर रहे हैं, उसमें हम जो हमारे श्रोता है, श्रोता से हम फीडबैक जानने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कोई कभी मेल करे, कोई कभी मेल करे, कोई कभी मेल करे या फिर पत्र लिखे, तो उसके अंदर फीडबैक की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसके संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है, इसके अंदर जो हम संदेश देते हैं वो किसी एक व्यक्ति के लिए हम डिजाइन नहीं करते, वो जो संदेश होता है वो ऐसा होता है कि सभी लोगों के ऊपर समान रूप से लागू हो सके। संचारक और प्रापक के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता, ठीक है, कोई डायरेक्टली आमने सामने बैठे हुए नहीं होते मास कम्युनिकेशन के अंदर। जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की आवश्यकता होती है, इसके अंदर एक सिस्टमेटिक ढंग से हमें कम्युनिकेशन करना जरूरी है। क्योंकि देखिए, अगर हम पर्सनल बातें कर रहे हैं, यार दोस्त के साथ बात कर रहे हैं, तो उसको हम डांट भी सकते हैं, उस पर गुस्सा भी हो सकते हैं, या फिर उसे हंसी मजाक भी कर सकते हैं। लेकिन मास कम्युनिकेशन के अंदर ऐसा नहीं है, उसमें हमें फॉर्मल तरीके से कम्युनिकेशन करना पड़ता है, सही तरह से सोच समझ के बोलना पड़ता है कि हमें क्या कहना क्या नहीं कहना। संचार के प्रमुख कार्य क्या है, ये हमने पहले ही बात की, सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना, मुख्य रूप से ये है। निगरानी रखना, निगरानी रखना भी ये मास कम्युनिकेशन का कार्य है, लोगों को बार बार सचेत करना, भाई अपने हाथ धोते रहिए और सैनिटाइजर यूज़ करते रहिए, मास्क यूज़ करते रहिए, अगर कोई मास्क के बगैर पकड़ा गया तो उसको जुर्माना होगा, यानी कि वो निगरानी कर रहे हैं ना, उनसे देख रहे हैं। एजेंडा तय करना, विचार विमर्श के लिए मंच उपलब्ध करवाना, तो काफ़ी तरह के काम हो सकते हैं मास कम्युनिकेशन के, काफ़ी तरह की विशेषताएं हो सकती हैं। अब बात आती है दोस्तों, जनसंचार माध्यमों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये दोस्तों इसमें दो तरह की चीज़ें आती है, एक तो पॉजिटिव चीज़ें आती है और एक नेगेटिव चीज़ें आती है। आज के संचार प्रधान समाज में जनसंचार माध्यमों के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारी जीवन शैली पर संचार माध्यमों का ज़बरदस्त असर पड़ा है। अखबार पढ़े बिना हमारी सुबह नहीं होती, जो अखबार नहीं पढ़ते वे रोज़मर्रा की खबरों के लिए रेडियो टीवी पर निर्भर करते हैं। यानी कि आज लोगों को एक आदत सी बन गई है। एक आदत आपने देखी होगी, जैसे हम मान के चलिए अगर हम खाना खाने भी जाते हैं ना, तो भी हमारे हाथ में क्या पता मोबाइल होगा, हम क्या करेंगे, मोबाइल में गाना लगा के छोड़ देंगे, उसे सुनते रहेंगे, या फिर वॉशरूम जाएंगे तो वहाँ भी उसको यूज़ करेंगे मोबाइल वगैरह को। तो ये हमारी एक गंदी आदत बन चुकी है, आज हम चाह कर भी इन चीज़ों को नहीं छोड़ पा रहे हैं। सुबह सुबह जो दोस्त अखबार पढ़ता है वो अखबार पढ़े बगैर नहीं रह सकता, तो काफ़ी तरह की चीज़ें हैं। इससे क्या है दोस्तों, इससे हमारे ऊपर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव पड़ रहे हैं। सकारात्मक अगर हम बात करें तो देखिए, सकारात्मक प्रभाव ये है, अगर हम अच्छी चीज़ें सीखेंगे, अच्छे टीवी सीरियल देखेंगे, या फिर अच्छे से हमें कोई बात बताएगा, तो वो हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें लेके आएगा। लेकिन मास कम्युनिकेशन का आज के टाइम में देखा जाए दोस्तों, तो इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ रहा है। आज प्रोपेगेंडा यूज़ किया जाता है, यानी कि अपनी बातों को मनवाने के लिए गलत सूचनाएँ फैलाई जाती है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि राजनीतिक पार्टियाँ जो होती है वो ऐसा करती है, वो एक गलत न्यूज़ चला देती है, गलत, और इसका जो साथ न्यूज़ चैनल वाले भी देते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इसका गलत यूज़ किया जाता है। जैसे इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं दोस्तों, राहुल गांधी की एक जो डायलॉग बहुत फेमस है कि आलू से सोना निकालने वाली बात हुई थी, तो रियल में अगर आप उसको जांचोगे तो आपको पता चलेगा कि वो मिस इन्फॉर्मेशन थी, गलत तरीके से मैनिपुलेट किया गया था, उसको गलत तरीके से प्रसारित किया गया था, लेकिन उसको इस तरह से गलत साबित किया गया दोस्तों सोशल मीडिया पे, अलग अलग मीडिया चैनल्स पे। ऐसा लगता है कि वो बहुत ही बेवकूफाना हरकत की थी राहुल गांधी ने, लेकिन अगर आप रियलिटी में देखोगे तो उसका सच कुछ और निकलेगा। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें गलत तरीके से हमारे सामने रखी गई, लेकिन उनकी सच्चाई कुछ और ही थी। जितनी भी राजनीतिक पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो, कैसी भी हो, हर तरह की राजनीतिक पार्टी अपना फायदा करने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन का यूज करती है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों, मास कम्युनिकेशन से क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं हमारे समाज पे। आज आपने देखा होगा कि वेब सीरीज बहुत ज़्यादा चल रही है। वेब सीरीज पे अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं आया है कि वो अडल्ट कंटेंट पे रोक लगा सके, लेकिन आज वेब सीरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा अडल्ट कंटेंट दिखाया जा रहा है। इससे हमारे समाज में हमारे बच्चों पर बहुत ज़्यादा बुरा असर
पड़ रहा है, और दूसरी तरफ फ़ायदा भी हुआ है कई चीज़ों का। जैसे कि मान के चलिए आज बहुत से कोर्सेज निकले हुए हैं ऑनलाइन, उनको हम बहुत कम रुपयों में करके हम अपने अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन सर्टिफिकेट ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम पॉजिटिव तरीके से देखें तो पॉजिटिव भी है, और अगर हम नेगेटिव तरीके से देखें तो नेगेटिव चीज़ें भी बहुत सारी हो रही है। तो दोनों तरह की चीज़ें दोस्तों हमारे जीवन के अंदर, ये वैसे तो देखो सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए, जो न्यूज़ चैनल या फिर जो भी सोशल मीडिया गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं उन पे उनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। और जैसे मोदी जी ने किया भी है, काफ़ी सारी ऐप्स बंद की है, पबजी मोबाइल बंद कर दिया था, टिकटॉक बंद कर दिया था, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा सराहनीय काम था, उससे हमारे समाज पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा था, तो वो एक अच्छा कदम था सरकार का, उसकी तारीफ करते हैं हम। और इसी तरीके से हमें भी जागरूक होने की ज़रूरत है, हमें देखना है कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए बुरा है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास गेट कीपिंग की बात आती है। गेट कीपिंग के बारे में हमने पहले ही बताया था, गेट कीपिंग भी दोस्तों हमारे लिए अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, दोनों तरह की चीज़ें हैं। देखिए गेट कीपिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे जैसे एक न्यूज़ रिपोर्टर होता है, न्यूज़ रिपोर्टर के पास हज़ारों खबरें आती है, हज़ारों इन्फॉर्मेशन आती है, लेकिन वो देखता है कि उसे कौन सी खबर चलानी है न्यूज़ चैनल पे, कौन सी चीज़ देनी है, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा काम होता है जो गेट कीपर होता है ना, गेट कीपर का काम होता है कि वो किस तरह की खबरें देगा। अब मान के चलिए अगर ऐसा कोई पत्रकार है, वो ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दे जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो, धार्मिक दंगे भड़कने लगे, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन देगा तो बहुत ज़्यादा गलत होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को पता चल गया भाई ये ऐसी बात है और ऐसी बात हमें छिपानी चाहिए, अगर हम इसको छिपा लेंगे तो समाज का बहुत भला हो सकता है, तो वो गलत चीज़ें हमें नहीं फैलानी चाहिए चीज़ें। तो दोस्तों गेट कीपिंग दोनों ही तरह से हमारे लिए अच्छी साबित भी हो सकती है और बुरी साबित भी हो सकती है। लेकिन जो सोशल मीडिया अकाउंट हैंडलर है या फिर मास मीडिया को कंट्रोल कर रहा है, उसका दायित्व बनता है कि वो ऐसी इन्फॉर्मेशन कभी भी प्रसारित ना करे जिससे समाज के अंदर कोई लड़ाई दंगा हो या किसी के अंदर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन जाए, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। उसे ऐसी ऐसी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, हालांकि उसको कोई फेक न्यूज़ चल रही है तो उसे बताना चाहिए भाई समाज के अंदर, मीडिया के अंदर ये फेक न्यूज चल रही है, इसकी सच्चाई ये है। असल गेट कीपर है दोस्तों, उसका दायित्व यही है कि समाज में जो गलत हो रहा है उसकी पहचान करवाएं, उसके बारे में बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। वैसे तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आसान ये टॉपिक है हमारा। फिर भी दोस्तों अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अगर आपको नेट और जीएफ चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे, और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको यह बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजी नेट है तो जीआरएफ है।